Hello friends, how are you? I hope you are healthy and well-being. So welcome back to my channel. Myself Abhishek Kumar. I am the mentor. So today I will discuss very important and interesting chapter of the 11th NCERT, that is the structure organization of animal. So in this particular video, we discuss which type of animal tissue participate in the forming of animal structure, what is their location and what is their function. So each and everything we discuss in conceptual manners and interesting manner. So I hope you really enjoy this video. So if you like my video, so please subscribe my channel and like share my video with friends. And if you want to join my social media handle, so I provided link in the description box and WhatsApp channel of my channel. So please go through WhatsApp channel of my channel and click the social media icon and join me there. So I hope you really appreciate with me. So watch the video and keep support. Hello friends, welcome back in another video. So today's topic is earthworm. In our previous video, we discussed about organ and organ system. It is also part of the this chapter, structure, organization, and animal. So I hope you all enjoy this video. So first we read what written in NCERT textbook. After that we elaborate each and everything very simple and easy manner. So let us start without wasting any time. So today's topic is earthworm. अर्थवर्म, अर्थ का मतलब है यहाँ पे अर्थवर्म, अर्थ का मतलब पृथ्वी है ना, पृथ्वी या जमीन में, ठीक है, पृथ्वी में है तो ये क्या होगा, टेरेस्ट्रियल होगा, और वर्म मतलब होते हैं कीड़े मकोड़े, ठीक है, यानी ज़मीन में रहने वाला कीड़ा मकोड़ा। जो अर्थवर्म होता है हमारा, ये किस कलर का होता है ना, इसकी मॉर्फोलॉजी क्या होती है, हम सारी चीज़ें इस वीडियो में देखेंगे, है ना। अर्थवर्म इज द रेडिश ब्राउन टेरेस्ट्रियल इनवर्टिब्रेट डेट इनहिबिट द अपर लेयर ऑफ द मॉइस्ट सॉइल। तो इसका मतलब क्या हुआ, अर्थवर्म जो होता है हमारा, जो केंचुआ होता है ना, अर्थवर्म को हिंदी में क्या बोलते हैं हम, अर्थवर्म को हिंदी में क्या बोलते हैं हम, केंचुआ। अर्थवर्म जो केचुआ होता है हमारा, ये हमारा मॉइस्ट सॉइल है ना, मॉइस्ट सॉइल की अपर लेयर पे रहता है, ठीक है। ये हमारा रेडिश ब्राउन कलर का होता है, ये टेरेस्ट्रियल इनवर्टिब्रेट है, यानी ये वर्टिब्रेट नहीं है, टेरेस्ट्रियल है, यानी ये ज़मीन में रहता है, ठीक है। रेडिश ब्राउन का कलर, रेडिश ब्राउन कलर का होता है ना, अपर लेयर ऑफ द मॉइस्ट सॉइल पर रहता है, ठीक है। ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के समय, दिन के समय ये क्या करता है, ड्यूरिंग डे टाइम दे लिव इन बोरो मेड बाई बोरिंग एंड सोलिंग ऑफ द सॉइल, है ना। इसका मतलब ये है कि दिन के समय ये अपनी जो छेद बनाता है, ठीक है, बोरो बनाता है। बोरो कैसे बनाता है, या तो उसको छेद करके बनाएगा ये, या फिर जो सॉइल होगी उसको वो निगलता जाता है ना, सोलिंग करता है, उसको निगलता जाता है, तो वहाँ पे छेद बन जाता है ना, बोरो बन जाता है। वो सॉइल खाता जाएगा, खाता जाएगा, तो वहाँ की सॉइल कम खत्म होती जाएगी और वो बोरो बन जाता है, ठीक है। ये मतलब ये हमारा क्या हुआ, जो अर्थवर्म होता है ये हमारा रात के समय निकलता है ना, दिन के समय अपने बोरो पे रहता है, अपने बनाए हुए छेद पे रहता है, ठीक है, ज़मीन में जो छेद बनाता है उस पर रहता है, और डे टाइम ये नहीं निकलता है, यानी ये नॉक्टर्नल एनिमल होता है। क्या होता है, नॉक्टर्नल यानी रात्रिचर होता है, ठीक है, रात्रिचर होता है, ये रात्रिचर होता है, यानी रात में ही निकलता है, ठीक है। और रात में ही बेसिकली जो मॉर्निंग में होता है 4 to 5 AM है ना, मॉर्निंग का जो टाइम होता है, मॉर्निंग का जो सुबह अर्ली मॉर्निंग जो होता है, ठीक है, उसी के टाइम निकलता है, जब अंधेला होता है, बेसिकली इसी टाइम निकलता है, ठीक है, जब डार्क होता है। क्या होता है, डार्क होता है, दिन के समय ये नहीं निकलता है, ठीक है। ये अपने दिन के समय जो इसके अपने बोरो बनाता है उस पर रहता है, ठीक है। इन गार्डन दे कैन बी ट्रेस बाई देयर फीकल डिपॉजिट नोन एज वर्म कॉस्टिंग, है ना। ये गार्डन में हम इसको कैसे जानते हैं कि यहाँ पे अर्थवर्म है, तो गार्डन में हम ऐसे जानते हैं क्योंकि इसका जो फीकल डिपॉजिशन होता है ना, इसका जो फीकल डिपॉजिशन होता है, फीकल डिपॉजिट होता है, इसको हम वर्म कॉस्टिंग बोलते हैं ना, वर्म कॉस्टिंग बोलते हैं, इसके फीकल डिपोजिशन को हम वर्म कास्टिंग बोलते हैं। उसी के द्वारा हम इसको पहचानते हैं गार्डन में कि यहाँ पे केचुआ है, यानी अर्थवर्म है, ठीक है। द कॉमन इंडियन अर्थवर्म आर पेरेटिमा एंड लुम्ब्रिकस, है ना। तो अर्थवर्म जो होते हैं इंडिया में जो पाए जाते हैं, टू स्पीसीज के होते हैं, है ना, एक पेरेटिमा होता है और एक होता है लुम्ब्रिकस, है ना। पेरेटिमा और लुम्ब्रिकस होते हैं अर्थवर्म की स्पीसीज जो कि इंडिया में पाई जाती हैं। ये हमसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि इंडिया में पाई जाने वाली स्पीसीज ऑफ अर्थवर्म क्या हैं, तो हम बोलेंगे पेरेटिमा एंड लुम्ब्रिकस, ठीक है। अब हम उसके मॉर्फोलॉजी के बारे में डिस्कस करते हैं, मॉर्फोलॉजी क्या है उसकी। तो मॉर्फोलॉजी के बारे में डिस्कस करते हैं। मॉर्फोलॉजी क्या है इसकी, अर्थवर्म की मॉर्फोलॉजी क्या है ना। मॉर्फो का मतलब होता है, मैंने आपको बताया था, जो हम फिजिकल बाहरी संरचना को देख के बता दें तो वही हमारा मॉर्फोलॉजी के अंदर आता है, ठीक है। जैसे हम किसी भी, जैसे हम अर्थवर्म की होगी, अर्थवर्म को हम देख के बता देंगे कि रेडिश ब्राउन कलर का होता है, इतनी इसकी लेंथ होती है ना। इसके डॉर्सल साइड में क्या पाया जा रहा है, इसकी डॉर्सल साइड की जो स्किन है वो डार्क कलर की है ना। वेंट्रल साइड की अलग कलर की है, उसमें जेनिटल पोर्स पाए जा रहे हैं, जो हम देख के बता दें फिजिकल अपीयरेंस है ना, जिसको हम देख के बता दें तो उसको हम मॉर्फोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। और फिजियोलॉजी में क्या आता है हमारा, फिजियोलॉजी में आता है उसका हम फंक्शनिंग के बारे में पढ़े हैं ना। उसके बॉडी के जो भी ऑर्गन हैं है ना, उसकी प्रत्येक ऑर्गन का क्या फंक्शन हो रहा है, प्रत्येक ऑर्गन क्या फंक्शन कर रहे हैं, उसके बारे में पढ़ें तो हम उसको बोलते हैं फिजियोलॉजी है ना। और एनाटॉमी क्या होता है, एनाटॉमी होता है हमारा इंटरनल ऑर्गन, स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी, इट्स कॉल्ड एनाटॉमी है ना। वो प्लांट की एनाटॉमी भी हो सकती है और एनिमल की एनाटॉमी भी हो सकती है ना। बट अगर हम फंक्शनिंग के बारे में पढ़ेंगे तो वो फिजियोलॉजी में जाएगा, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी देखते हैं अर्थवर्म की। तो मॉर्फोलॉजी, अर्थवर्म वॉच एंड अर्थवर्म हैव लॉन्ग सिलेंड्रिकल बॉडी है ना। अर्थवर्म के पास जो होती है उसकी बॉडी कैसी होती है, अर्थवर्म की बॉडी जो होती है लॉन्ग सिलेंड्रिकल इस टाइप की बॉडी होती है ना। अर्थवर्म की ऐसे सिलेंडर के टाइप का होता है अर्थवर्म हमारा, ठीक है। द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू मोर देन 100 शॉर्ट सेगमेंट विच आर सिमिलर है ना। इसकी जो बॉडी डिवाइड होती है वो 100 ऑफ शॉर्ट सेगमेंट में, छोटे छोटे सेगमेंट में इसकी बॉडी डिवाइड होती है जो कि सिमिलर होती है ना। इसको हम मेटामर्स बोलते हैं। हमने आपको बताया था एनिमल किंगडम में जो मेटामरिक सेगमेंटेशन जो पाया जा रहा था वो हमारे अर्थवर्म में पाया जा रहा था है ना, यानी एनालिडा में पाया जा रहा था, और हमारे आर्थ्रोपोड्स में पाया जा रहा है और वर्टिब्रेटा में पाया जा रहा था, ठीक है। इसको हम साइजोसिलोमेट भी बोलते हैं, साइजोमेटामर्स बोलते हैं है ना। इनमें ट्रू सेगमेंटेशन पाया जाता है ना। इसको मेटामरिक होते हैं, ये छोटे छोटे एनुअल मतलब रिंग के तरीके, छल्ले के नूम, ऐसे सेगमेंटेड बॉडी होती है इनकी, ठीक है। तो इसमें क्या है, द बॉडी डिवाइड इनटू मोर देन 100 शॉर्ट सेगमेंटेड विद सिमिलर, जो कि हमारे सिमिलर भी हो सकते हैं। इनको मेटामर्स अबाउट 100 से 120 नंबर में हो सकते हैं। मेटामर्स जो होंगे वो 100 से 120 नंबर पे होंगे, यानी 100 से 120 तक मेटामर्स हो सकते हैं। शॉर्ट सेगमेंट में बॉडी इनकी डिवाइड होगी। द डॉर्सल सर्फेस ऑफ द बॉडी इज मार्क्ड बाई ए डार्क मीडियन मिड डॉर्सल लाइन, जिसको हम डॉर्सल बेसेस बोलते हैं, अलॉन्ग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द बॉडी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। इसकी जो डॉर्सल सरफेस जो होती है, वेंट्रल सरफेस हमने आपको बताया था, वेंट्रल सरफेस जो होता है हमारा, वेंट्रल मतलब हमारे छाती की तरफ है ना, यानी छाती की तरफ, इस तरफ हमारा पेट होता है, उसको हम बोलते हैं वेंट्रल, ठीक है। और डॉर्सल जो होती है हमारी बैक साइड है ना, पीठ की साइड जो होती है वो बैक साइड होती है, उसको हम डॉर्सल बोलते हैं। ऐसा ही अर्थवर्म में होता है, ठीक है। जो अर्थवर्म रेंग के चलता है, ठीक है, अर्थवर्म जो रेंग के चलता है तो मतलब ये इसके जो हमारी जो प्लेन में है ना, मतलब इसके जो नीचे की सतह है, ये बोलेंगे, इसको हम वेंट्रल बोलेंगे, और इस वाली को हम क्या बोलेंगे, डॉर्सल बोलेंगे। तो यही हमारा अर्थवर्म के केस में होता है, ठीक है। तो इसकी जो डॉर्सल सरफेस होती है ना, डॉर्सल सरफेस ऑफ द बॉडी इज मार्क बाई ए डार्क मीडियन मिड डॉर्सल लाइन डॉर्सल ब्लड वेसल अलॉन्ग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द बॉडी, यानी इसकी डॉर्सल साइड में, डॉर्सल सरफेस में एक होती है, क्या होती है वो, डार्क होती है, डार्क मीडियन मिड डॉर्सल लाइन होती है ना। डार्क मीडियन जैसे इसकी अर्थवर्म का ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो होगी एक ये डॉर्सल लाइन होगी, ऐसे आपको बताता हूँ मैं। ये मान लो अर्थवर्म हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो लाइन होगी ये डार्क मीडियन डॉर्सल लाइन होगी। मीडियन यानी ये बीच में पाई जा रही है ना, मिडिल में पाई जा रही है, इसलिए इसको मीडियन बोला गया है ना। मिड डॉर्सल साइड में, इसलिए डॉर्सल लाइन बोला गया। इसको हम डॉर्सल ब्लड वेसल बोलते हैं, जो कि इसकी अलॉन्ग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द बॉडी, यानी इसकी पूरी बॉडी की लंबाई की साथ पाई जाएगी, यानी इसकी पूरी लंबाई, जितनी लंबाई होगी उसकी अर्थवर्म की, मान लो ये लंबाई हुई, माना कि अर्थवर्म हमारा इतना लंबा है, ठीक है। तो ये जो ब्लड वेसल्स पाई जाएगी तो इसकी पूरी बॉडी की जितनी लंबाई है पूरी में पाई जाएगी है ना, सारी बॉडी में पाई जाएगी, पूरी लेंथ में पाई जाएगी, ठीक है। जैसे हम बोल सकते हैं लंबाई के सापेक्ष है ना, एलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द बॉडी, मतलब इसकी लंबाई के सापेक्ष, इसकी लंबाई के साथ साथ पूरी डॉर्सल साइड में डॉर्सल ब्लड वेसल्स पाई जाएगी, मिड साइड में, यानी मीडियम साइड में बीचों बीच, ठीक है, समझ गए होंगे आप। और इसमें वेंट्रल साइड में क्या होता है, द वेंट्रल सरफेस इज डिस्टिंग्विश्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ जेनाइटल ओपनिंग, जिसको हम पोर बोलते हैं ना। इसके जो वेंट्रल साइड में, डॉर्सल साइड में तो हमारा डॉर्सल मीडियन वेन पाई जाएगी इसमें, है ना, डॉर्सल लाइन में डॉर्सल ब्लड वेसल्स पाई जाएगी, बट हमारा वेंट्रल साइड में क्या होगा अर्थबम में, वेंट्रल साइड में इसमें क्या पाया जाएगा, इसको हम वेंट्रल साइड से कैसे पहचानेंगे, तो इसमें क्या है, जेनाइटल पोर पाए जाएंगे, है ना, जेनाइटल ओपनिंग पाई जाएगी, जिसको हम पोर यानी जेनाइटल पोर भी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, जेनाइटल पोर बोलते हैं, जेनाइटल पोर बोलते हैं, ठीक है, जेनाइटल पोर बोलते हैं। एंटीरियर एंड, जो इसका इंटीरियर एंड होता है, इंटीरियर एंड और पोस्टीरियर एंड आपको मैं बताता हूँ। इंटीरियर एंड मतलब ये जो एंड हुआ इसको हम क्या बोलेंगे, इंटीरियर एंड बोलेंगे, ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे हम, पोस्टीरियर एंड बोलेंगे, यानी वो पीछे साइड का, है ना। इंटीरियर मतलब आगे का, पोस्टीरियर मतलब पीछे का, इसके नाम से ही पता चल रहा है, ए आ रहा है इंटीरियर में तो यानी आगे, और पोस्टीरियर में पी आ रहा है यानी पीछे, ठीक है, समझ गए होंगे आप। द एंटीरियर एंड कंसिस्ट ऑफ माउथ एंड, एंटीरियर एंड में इसके क्या होता है, माउथ होता है, एंड प्रोस्टोमियम, है ना, इसके एंटीरियर एंड में इसका माउथ होता है और क्या होता है, प्रोस्टोमियम होता है। प्रोस्टोमियम जो होता है ये क्या करता है, प्रोस्टोमियम जो होता है सेंसरी इन फंक्शन होता है, इसका जो फंक्शन होगा क्या होगा, सेंसरी होगा, है ना, सेंसरी होगा, सेंसरी फंक्शन, सेंसरी फंक्शन का काम करेगा ये, ठीक है, फंक्शन है इसका, इसका वर्क क्या है, ये सेंसरी फंक्शन का काम करता है, यानी एनवायरनमेंट को सेंस करेगा, है ना, चीज़ों को सेंस करेगा, ठीक है। इंटीरियर एंड कंसिस्ट ऑफ माउथ, इसके इंटीरियर एंड में माउथ होता है, एंड प्रोस्टोमियम होता है। ए लोब विच सर्व एज कवरिंग एज ए माउथ एंड वेज टू फोर्स ओपन क्रैक एंड द सॉइल इन टू विच इज अर्थवर्म में क्रॉयल, है ना। इसका मतलब यही हुआ कि जो हमारा होता है, हमने ये देखा कि इंटीरियर जो था इसका, इंटीरियर में माउथ था और इसमें प्रोस्टोमियम था और एक लोब था जो कि इसकी माउथ की कवरिंग को सर्व कर रहा था, एंड वेज फॉर फोर्स ओपन क्रैक इन द सॉइल इन टू विच अर्थवर्म में क्रॉयल, है ना, और वो सॉइल को क्रैक करने में यानी सॉइल को तोड़ने में मदद कर रहा था, और जिससे वो हमारा अर्थवर्म था वो क्रॉयल हो सके यानी वो रेंग सके, है ना। क्रॉयल का मतलब क्या होता है, रेंगना, ठीक है, इसका मतलब होता है रेंगना, सॉरी रेंगना, ठीक है, इसका मतलब होता है, क्रॉयल का मतलब होता है रेंगना, रेंगना, ठीक है, इसका मतलब होता है रेंगना, ठीक है। द प्रोस्टोमियम इस सेंसरीन फंक्शन, मैंने आपको बताया जो प्रोस्टोमियम होता है वो सेंसरीन फंक्शन होता है, उसका काम क्या होता है, वो सेंसरीन इन्वायरमेंट को सेंस करेगा या चीज़ों को सेंस करेगा, ठीक है। द फर्स्ट बॉडी सेगमेंट इज कॉल्ड पेरिस्टोमियम, है ना, जो फर्स्ट बॉडी सेगमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टोमियम बोलते हैं, जिसको हम बक्कल सेगमेंट भी बोलते हैं, विच कंटेन द माउथ, है ना, जो कि हमारा माउथ कंटेन करता है। अब मैं आपको बताता हूँ आसानी तरीके से। पेरी का मतलब होता है, पेरी का मतलब होता है चारों तरफ, ठीक है, चारों तरफ, ठीक है, पेरी का मतलब होता है चारों तरफ, और स्टोमियम का मतलब होता है माउथ, है ना। स्टोमियम जो वर्ड रिलेटेड होता है वो किससे रिलेटेड होता है, माउथ से, वो रिलेटेड होता है माउथ से, है ना, यानी माउथ के चारों तरफ, है ना, मतलब माउथ के चारों तरफ, तो इसीलिए इसको बोला पेरिस्टोमियम, जिसको हम क्या बोलते हैं, वक्कल सेगमेंट भी बोलते हैं, है ना, वक्कल सेगमेंट भी बोलते हैं। जैसे हमारी बॉडी, हमारे माउथ में वक्कल कैविटी होती है, ये जो अंदर है ये वक्कल कैविटी है ना, ऐसे अर्थवर्म में भी होता है, पेरिस्टोमियम होता है, जिसको हम वक्कल सेगमेंट बोलते हैं ना, विच कंटेन द माउथ, जो कि माउथ को कंटेन करता है, ठीक है, उसमें माउथ पाया जाता है, ठीक है। मेचर अर्थवर्म जो होता है उसमें 14 से 16 सेगमेंट आर कवर्ड बाई, यानी 14 to 16 सेगमेंट आर कवर्ड बाई प्रोमिनेंट डार्क बैंड ऑफ ग्रैंडुलर टिश्यू कॉल्ड क्लाइटेलम, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे मैच्योर अर्थवर्म होता है उसमें 14 to 16 सेगमेंट में, है ना, एक प्रोमिनेंट डार्क बैंड होता है जो कि हमारा ग्लैंडुलर टिश्यू से बना होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लाइटेलम बोलते हैं, ठीक है, इसको हम क्लाइटेलम बोलते हैं। इसके बेसिस पे हम बॉडी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, है ना, अर्थवर्म की बॉडी को इसके बेसिस पे हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है प्री क्लाइटेलर, है ना, प्री क्लाइटेलर और क्लाइटेलर एंड पोस्ट क्लाइटेलर, ठीक है। तो मतलब प्री का मतलब पहले, यानी क्लाइटेलियम के पहले, और फिर हमारा क्लाइटेलम वाला सेगमेंट आ गया है ना, क्लाइटेलम जिसको बोलेंगे। उसके बाद पोस्ट है ना, पोस्ट मतलब बाद में, यानी क्लाइटेलम के बाद वाला सेगमेंट जो उसको हम पोस्ट क्लाइटेलर बोलेंगे। ठीक है, देख लेते हैं टेस्ट में क्या लिखा होता है। जो मेच्योर अर्थवर्म होता है उसमें 14 टू सेगमेंट जो होता है 14 to 16 सेगमेंट होता है, कवर बाई प्रोमिनेंट डार्क बैंड ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू, जो ग्लैंडुलर टिश्यू का बना होता है बैंड है ना, जिसको हम क्लाइटेलम बोलते हैं। 10 बॉडी डिवाइडेड इंटू 3 प्रोमिनेंट, इस बेसिस पे हम बॉडी को 3 प्रोमिनेंट रीजन, कौन कौन से प्रोमिनेंट रीजन हो गए हमारे, इसमें हो गए प्री क्लाइटेलर, ठीक है, फिर क्लाइटेलर एंड फिर पोस्ट क्लाइटेलर सेगमेंट। ठीक है, यानी 3 सेगमेंट में डिवाइड कर दिया गया बॉडी को। 4 पेयर ऑफ स्पर्मैथिकल है ना, स्पर्मैथिकल का मतलब होगा, इसके नाम से ही पता चल रहा है भाई क्या, स्पर्मैथिकल, स्पर्मैथिकल यानी स्पर्म, ठीक है, यानी इसमें क्या होगा स्पर्मैथिकल यानी स्पर्म से रिलेटेड है। इसमें 4 पेयर यानी 8, ठीक है, 4 पेयर ऑफ स्पर्मैथिकल अपर्चर आर सिचुएटेड ऑन द वेंट्रोलेटरल, वेंट्रोलेटरल का मतलब क्या होता है, वेंट्रोलेटरल मान लो ये बॉडी है अर्थवर्म की, ठीक है, सपोर्ट डेट ऐसा होता नहीं, बता रहा हूँ आपको, ठीक है, वेंट्रोलेटरल है ना, यानी वेंट्रल साइड में, वेंट्रल साइड में मान लो इसकी ये वेंट्रल बॉडी होगी, ठीक है, ये वेंट्रल बॉडी होगी, और लेटरल यानी अगल बगल है ना, वेंट्रल साइड में अगल बगल है ना, वेंट्रोलेटरल इसलिए बोलते हैं इसको, वेंट्रोलेटरल बोलते हैं, यानी वेंट्रल साइड में अगल बगल होगा उसको वेंट्रलेटरल बोलेंगे। 4 पेयर ऑफ क्या होंगे स्पर्मैथिकल अपर्चर होंगे, ठीक है, ऑफ इंटरसेगमेंटल ग्रुप्स है ना, इंटरसेगमेंटल ग्रुप में वेंट्रोलेटरल साइड में 4 पेयर ऑफ स्पर्मैथिकल अपर्चर होंगे। कहाँ पे होंगे, 5th to 9th सेगमेंट में है ना, तो 5th to 9th जोड़ लेंगे हम, 5th to 9th, ठीक है, 5th to 9th यानी 5th हो गया, 6 हो गया, 5th to 9th बोला ना, 5th to 9th यानी 6, 7, 8, 9 है ना, 6, 7, 8 और 9 है ना, यानी 4 पेयर, 6th में होगा, 7th में होगा, 8th में होगा, 9th में होगा, ठीक है, ये 4 पेयर सेगमेंट होंगे स्पर्मैथिकल के, ठीक है। ए सिंगल फीमेल जेनाइटल पोर, एक सिंगल फीमेल जेनाइटल पोर होता है जो कि प्रेजेंट होता है मिड वेंट्रल लाइन ऑफ 14 सेगमेंट, ठीक है, यानी जो इसका होगा फीमेल का एक सिंगल जेनाइटल फोर्स होगा वो हमारा क्या, कहाँ पे प्रेजेंट होगा अर्थवर्म में, अर्थवर्म की बॉडी में 14 सेगमेंट पे प्रेजेंट होगा, और मिड वेंट्रल है ना, वेंट्रल लाइन के बीचों बीच प्रेजेंट होगा है ना, यानी वेंट्रल लाइन के बीच में, ठीक है, यानी बीचों बीच प्रेजेंट होगा, वेंट्रल लाइन के बीच में, ठीक है। और जो हमारा था स्पर्मैथिकल फोर्स अपर्चर थे वो हमारे क्या थे, वेंट्रोलेटरल साइड में थे है ना, इंटर सेगमेंटल ग्रुप में वेंट्रोलेटरल साइड में थे 5th to 9th सेगमेंट में, ठीक है। बट इसमें क्या है, फीमेल जेनाइटल पोर जो है क्या है 14 सेगमेंट में पाया जा रहा है मिड वेंट्रल लाइन पे, ठीक है, यानी वेंट्रल लाइन के बीचों बीच में, ठीक है। ए पेयर ऑफ मेल जेनाइटल पोर आर प्रेजेंट ऑन द वेंट्रोलेटरल साइड है ना, एक पेयर जो होता है मेल जेनाइटल पोर प्रेजेंट होगा वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, वेंट्रोलेटरल साइड में है ना, वेंट्रोलेटरल साइड में मेल जेनाइटल पोर प्रेजेंट होगा वो कहाँ पे होगा 18 सेगमेंट में, ठीक है, 18 सेगमेंट में। ए पेयर ऑफ मेल जेनाइटल पोर आर प्रेजेंट वेंट्रोलेटरल साइड, मेल जेनाइटल पोर भी होगा जो वेंट्रोलेटरल साइड में होगा, स्पर्मैथिकल भी थे वो भी हमारे वेंट्रोलेटरल साइड में ही थे अर्थवर्म में, ठीक है, जो 18 सेगमेंट पे होगा मेल जेनाइटल पोर वेंट्रोलेटरल साइड में, ठीक है। न्यूमरस माइनोट पोर कॉल्ड नेफ्रेडियोफोर्स है ना, न्यूमरस मतलब बहुत सारे है ना, न्यूमरस मतलब बहुत सारे, माइनूट मतलब छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे यानी बहुत संख्या में छोटे छोटे जो पोर होंगे इनको हम नेफ्रेडियोफोर बोलेंगे है ना। नेफ्रेडिया जो होता था, नेफ्रेडिया अर्थवर्म में एक्सक्रीटरी फंक्शन करता था है ना, नेफ्रेडिया जो था अर्थवर्म में एक्सक्रीटरी फंक्शन करता था, नेफ्रेडिया जो था ये क्या था, एक्सक्रीशन में हेल्प करता था, अर्थवर्म में है ना। ए न्यूमरस पोर्स कॉल नेफ्रियो फोर्स ओपन ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी है ना, जो माइन्यूट फोर्स होंगे नेफ्रिडियो फोर्स होंगे ये बॉडी की सरफेस पे ओपन हो जाएंगे, ठीक है, और ये बॉडी की सरफेस में ओपन होंगे तो इनसे कुछ एक्सक्रीशन होगा है ना, एक्सक्रीट होंगे तो इनकी बॉडी की सरफेस होगी, इसी वजह से मॉइस्ट होती है, नेफ्रिडियो फोर्स पाए जाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नेफ्रिडोफोर्स होते हैं जिनकी बॉडी पे सरफेस पे ओपन होते हैं, इनकी बॉडी सभी मॉइस्ट हो जाती है ना, सिलोमिक फ्लूइड वगैरह इन्हीं से सीक्रेट वगैरह होता है। ठीक है, सो इन ईच बॉडी सेगमेंट, प्रत्येक बॉडी सेगमेंट में एक्सेप्ट फर्स्ट लास्ट एंड क्लाइटेलम। ठीक है, इसमें क्या होता है, ईच बॉडी सेगमेंट एक्सेप्ट फर्स्ट सेगमेंट में, लास्ट सेगमेंट में और क्लाइटेलम है ना, क्लाइटेलम तीन सेगमेंट को छोड़ के देयर ए रो होती है, यस सेप रो होती है, जिसको हम बोलते हैं सीटाई है ना, इसको हम बोलते हैं सीटाई। सीटाई का फंक्शन क्या होता है, ये हमारे लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। प्रिंसिपल रोल जो होता है इनका लोकोमोशन में ही होता है। ये हमारे जब सीटाई बाहर आएंगे है ना, कॉन्टैक्ट करेंगे यानी बाहर आएंगे है ना, एक्सटेंडेड होंगे, बाहर निकलेंगे और रिट्रैक्टेड होंगे यानी अंदर चले जाएंगे है ना। जैसे ही बाहर आएंगे तो हमारा अर्थवम आगे बढ़ेगा, ठीक है, और जैसे रिट्रैक्ट हो जाएंगे तो वो अंदर चले जाएंगे। तो सिटाई जब अंदर चले जाएंगे तो अर्थवम हमारा नॉर्मल स्टेज पे आ जाएगा, आगे वो मूवमेंट नहीं करेगा, ठीक है, यानी लोकोमोशन नहीं करेगा। देख लेते हैं टेस्ट में क्या लिखा है, इन ईच बॉडी सेगमेंट एक्सेप्ट फर्स्ट एंड लास्ट एंड क्लाइटेलम, यानी फर्स्ट सेगमेंट में और लास्ट सेगमेंट में और क्लाइटेलम सेगमेंट को छोड़ के है ना एक रो होती है, देयर आर रो अब यस सेप सिटाई है ना, यस सेप सिटाई की एक रो होती है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि सिटाई का फंक्शन क्या होता है, यस सेप सिटाई जो होती है उनका फंक्शन क्या होता है, तो उनका प्रिंसिपल रोल होता है लोकोमोशन में होता है। ठीक है, यस सेप सिटाई है ना एम्बेडेड इन एपिडर्मल पिट ऑफ मिडिल ऑफ ई सेगमेंट है ना, जो यह सेप सिटाई होते हैं ये हमारे एपिडर्मल पिट पे एम्बेडेड होते हैं यानी धसे होते हैं। ठीक है, एपिडर्मल पिट पे धसे होते हैं, एम्बेडेड का मतलब होता है धसा होना। धसा होना, ठीक है, धसा होना, ठीक है, धसा होना यानी उसी में वो घुसे हुए होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। ठीक है, कहाँ पे, एपिडर्मल पिट ऑफ मिडिल ऑफ ए सेगमेंट, यानी फर्स्ट सेगमेंट को छोड़ के, लास्ट सेगमेंट को छोड़ के और क्लाइटेलम सेगमेंट को छोड़ के जितने भी सेगमेंट होंगे उसमें एपिडर्मल पिट में बीच में यह सेप सिटाई धसे होते हैं। ठीक है, सिटाई कैन बी एक्सटेंडेड है ना, ये हमारे सिटाई बड़े भी हो सकते हैं यानी एक्सटेंड हो सकते हैं, फैल सकते हैं। ठीक है, और रिट्रैक्टेड यानी वो हमारे रिट्रैक्ट हो जाते हैं, अपने नॉर्मल पोजीशन पे जा सकते हैं। ठीक है, तो क्या इसमें इनका जो प्रिंसिपल रोल क्या होता है, प्रिंसिपल रोल देयर प्रिंसिपल रोल इन लोकोमोशन, यानी सिटाई का जो प्रिंसिपल रोल होता है, इनका जो प्रिंसिपल रोल होता है वो क्या होता है, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये एक्सटेंड हो जाएंगे और रिट्रैक्ट हो जाएंगे, इससे हमारा अर्थवम आगे बढ़ेगा। ठीक है, इसकी वजह से हमारा अर्थवम का मूवमेंट होता है यानी लोकोमोशन होता है। ठीक है, बॉडी का लोकोमोशन होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएगा। ठीक है, सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो इफ यू लाइक माय सेशन सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक शेयर माय वीडियो विद फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, जिसमें हम अर्थवम की एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने इंट्रोडक्शन और मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ा, नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे। सो टेक केयर, बाय बाय, यू हैव ए नाइस डे, स्टे ट्यून्ड विद मी।